हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। ओहो, आज सोच रहे होंगे आतिफा यू नो दुपट्टे चुपट्टे में, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मेरे चैनल पे मिलेगा नया नया नया। तो गाइस, आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैं डेली वेयर में जो पहनती हूँ कपड़े में वो उसी में आपसे शूट में, मतलब इसी तरीके से लुक में रहती हूँ मैं डेली में। तो मैंने सोचा कि आपको एक साथ ये लुक भी शेयर करूँ, साथ साथ में आज ब्लॉग भी शेयर करूँ। मुझे लगा आपके बहुत दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मेरे चैनल पे नया 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 मिलता है गाइस। तो अभी मैं कहीं फिलहाल घूस ले, आवाज गूंज रही होंगी, आपका आवाज आ रही होगी। तो गाइस, यहाँ से भी मैं निकल रही हूँ, फिर मैं अपनी मम्मा के घर जाऊंगी, फिर मैं अपने रूम की चाबी लूंगी, फिर वहां से मुझे कुछ काम है, फिर वो करूंगी। और आज जो भी होगा आपके साथ सब कुछ शेयर होगा गाइस, शेयर शेयर शेयर। तो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताओ। तो गाइस, मेरी वीडियो में आगे तक जाने से पहले क्या करना है आपको, जल्दी से मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब पहले करना, लाइक बाद में करना, फिर शेयर तो सबसे पहले कर देना। तो गाइस, मैं मास्क पहन लेती हूँ, और मेरी मम्मा भी है इधर ही, वो आप देख सकते हो चोड़ी में खड़ी हुई है, वो देखो देखो। तो मम्मा मेरे साथ जाएगी, तो मैं फटाफट निकलूं यहाँ से। चलो गाइस, चलो 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 मेरे साथ चलो, मम्मी जल्दी चल करो चलो। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ भैया जी का टकरा दी, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और मेरी मम्मा देखो कैसे भाग रही है पीछे से। मम्मा हम भी हैं, गाय का कलर कितना कर रहे हैं। मम्मा की कमी जा रही हूँ, मेरी आज लगता ना कसरत करवानी अम्मी मेरी, पहले घर लेके आई है। मैं बताऊंगी गाइस बाद में यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ये भी सरप्राइज है। गाइस, एक बात तो मैं पूछना भूल गई, कैसे हो भाई लोग? मैं तो बढ़िया, आप सब कैसे हो? क्योंकि मैं तो ये पूछना भूल गई, कहोगे आप लोग आतिफा तुम बहुत गलत करती हो, बहुत गलत करती हो। गाइस, मेरी मम्मी छुपते छुपाते, मेरी मम्मी तो इतने कैमरे से डरती है, इतने कैमरे से डरती है। मम्मी मम्मी मम्मी, तो गाइस मैं आ गई अपने गली, आइए मेरी गली में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ थकते थकाते, और मेरी मम्मी बोलती ही नहीं है। मम्मी मेरे को पता कैमरे में लोग क्या बोलेंगे, माँ नफरत करती है मुझसे, नफरत। गाइस इसी बहाने ये देख लो, या अल्लाह पाक मम्मी बोली, या अल्लाह पाक। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने वाले, यानी मैं अपने अपने वाले रूम में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहां कुछ काम है, फिर वहां पर मिलूंगी आपके साथ, और मुझे नमाज भी पढ़ना है, क्योंकि नमाज का टाइम हो चुका है। ये मेकअप सब रिमूव कर दूंगी मैं, तो अभी जितना है जैसा है। मैं खूबसूरत लग रहा है ना? चलो चलो अम्मी, चलो ठीक है आते हैं। गाइस, मेरी अम्मी ये घर के दुआ करो कि अल्लाह पाक ये घर बना दे, क्योंकि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि मेरे घर बिल्कुल मम्मी वाला घर जो टूटा हुआ है। तो दुआ करो, और मेरे ससुराल वालों के लिए दुआ करना, मेरे मायके वालों के लिए दुआ करना, और मेरे लिए भी दुआ करना, मेरी बहन के लिए भी, सबके लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, आमीन सुमामी। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं दुआ करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप लोग जरूर करोगे। तो गाइस चलिए, ज़्यादा सैड और सूट वाले, क्योंकि मेरे को ऐसे चीज़ें पसंद नहीं है, तो चाहिए आते हैं अम्मी। मैं यार फोर्थ फ्लोर पर रहती हूँ, अगर जिसको अपना वजन कम करना हो प्लीज़ स्वागत है आपका हमारे घर में। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, पर मैं घर का काम वाम करके जाती हूँ, और मेरा कुछ काम है यहाँ पे, वो कर लूँ बराबर, फिर आप स्वागत हो, पहले मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। चलो बात करती हूँ ना, नहीं तो फिर। तो गाइस आइए, मौसम देख सकते हो आप कितना ख़राब हो रहा है। ओ मम्मा, मुझे मेरा छत बहुत पसंद है वही। तो गाइस मैं आ गई हूँ, तो प्लीज़ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े उतार लूँ। अच्छा, बहुत से लोगों का एक सवाल था मुझसे, जो मैं जवाब नहीं दे पा रहा, कि आप नंद की शादी में गए नहीं गए, बताओ बताओ आपने ब्लॉग क्यों नहीं शूट किया। किसी ने तो स्माइल भी कर दिया, हंस दिए मुझ पर। तो गाइस
में ये बात सच है कि मैं शादी में गई थी और किसी कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, यानी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मैं बहू, ऊपर से मेरी थोड़ी हेल्थ का भी इशू चल रहा है। मैं नहीं चाहती मैं आप लोगों को बताना मुझे, क्योंकि बहुत से लोग क्या ना सिंपति लेने के लिए बीमारी का बहाना, इसका बहाना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो जो भी हूँ लाइफ में, जैसी भी हूँ, आपके सामने हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम है, बहुत से लोग मेरी प्रॉब्लम का मजाक बनाते हैं, इवन बहुत से मेरे रिश्तेदार भी, बहुत से लोग मेरी प्रॉब्लम का मजाक बनाते हैं। तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस टाइम किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं ससुराल गई थी, उसके बावजूद भी मेरी सास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसा परिवार सबको दे मेरे ससुराल में, मेरे ससुर, मेरी नंदे, मुझे बेड रेस्ट करवाया उन लोगों ने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी, इतना हिंट दे देती हूँ कि मुझे बैक इशू है, कि जिसके वजह से डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल रेस्ट बोला था, इवन मतलब एक डेढ़ महीना मुझे बिल्कुल रेस्ट बोला था। उस दौरान में भी मैं यहाँ से, जो भी मेरे को मार्केटिंग मैंने वगैरह सब कुछ किया, उसके बाद भी मैं यहाँ से गई अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरी सास को पहले से ही पता था कि मैं इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी मेरी बहू मेरी नंद की शादी में, क्योंकि देखो जाना तो था ही नंद की शादी में, तो मुझे लगा फिर भी बहुत काम, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, अल्हम्दुलिल्लाह पाक ऐसी परिवार मेरा बनाए रखे। तो मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, मेरे आगे पीछे सात ससुराल वाले मेरे। तो क्या हुआ कि मेरी हेल्थ को इतना प्रॉब्लम हुआ कि मेरी सास में से इतनी खुश हुई, फिर बोली कि नहीं बहू तुम कुछ मत करो, मेरी नंद भी जो शादी जिनकी थी ना, उनने तक मेरे को काम करके दिया, बल्कि मेरा फ़र्ज था उनके लिए बहुत कुछ करने का, जो मैं नहीं कर पाई। मेरे बहुत अरमान थे कि नंद की शादी में डांस करना ही करना, तो बैक इशू की वजह से मेरा कुछ नहीं हो पाया। तो हेल्थ ख़राब थी, फिर मैंने अपनी नंद की शादी वादी हुई, मैंने ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो सास काम कर रही है और मैं एकदम बैठी हुई हूँ, और उसमें भी कुछ अपनी प्राइवेसी भी होती है गाइस, और मैं नहीं चाहती थी कि अपनी प्राइवेसी में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मेरी और भी नंदे हैं, इनकी शादियों में करूँगी, पर इस शादी में मैं नहीं कर पाई। और मैं अभी आ गई हूँ शादी पे से, अभी भी मेरी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, तो मैं मेरी मेडिसिन चालू है, तो जिसकी वजह से मैं अल्लाह से बस दुआ करना है कि मैं ठीक हो जाऊँ। बट गाइस प्लीज़ इसको ना इतना इमोशनल मत लेना कि मैं बहुत ज़्यादा सिंपथी, ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं चल रही हूँ, बट बहुत पहले की बात है जो मैं नहीं चल पा रही थी। तो बस बात ख़त्म, बस ये कहूँगी कि जो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ या कुछ ड्रामे कर रही हूँ, तो उनके लिए इतना बताना चाहती हूँ कि जब आप लोगों पे बीते तो पता चलेगा, बट मैं नहीं चाहती, अल्लाह से ये दुआ करती हूँ शाम का वक्त है कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी अच्छे से हेल्थ, अल्लाह अच्छा तंदुरुस्त रखे, क्योंकि आप लोगों ने तो जितना, आप लोग जानते हो मैं किसके लिए कह रही हूँ, जो मेरी हेल्थ को लेकर बहुत मजाक बना रहे थे, बट डजंट मैटर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला, अल्लाह पाक से यही दुआ है, और ऐसे ही और लोगों को भी मिले, और मेरे मायका भी मुझे बहुत, जो दोनों तरफ से इतना सपोर्टेड, और आप यकीन नहीं करोगे और लोगों ने मेरी ससुराल वालों पे बहुत कमेंट किया कि तुम जो है इससे बहू से काम नहीं करवा रहे, ये नहीं करवा रहे, पर मेरी सास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वह बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरी सास डटी रही कि नहीं करवाऊंगी मैं काम। इवन जिस दिन मेरी नंद विदा होने के दूसरे तीसरे दिन बाद आई हैं अपने ससुराल वालों के साथ, तो उस दिन मुझे बुखार आ गया था, और उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट था कि नंद के साथ रहना, क्योंकि ससुराल वाले आए थे और उनका पहली बार ससुराल जाने का, पहली बार मायके आने का था। पर उस टाइम भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरी सास ने मेरे को छू के देखा, बोला कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने बोला अम्मी मैं क्या करूँ, तो मैं बोली तुम जाके लेट जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। तो मुझे ऐसी सास मिली, अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान कि मुझे अल्लाह पाक नजर ना लगाना गाइस, दुआ करना अल्लाह पाक ऐसी बनाए रखे मेरे परिवार और मुझे भी। तो चलो गाइस नीचे चलते हैं, मौसम देख लो एक बार, मौसम कितना बेहतरीन हो रहा है। तो गाइस अजान हो रही है, आप आवाज सुन सकते हो, और ये हमारी पड़ोसन की बिटिया, जो बहुत लोगों ने कह दिया कि मेरी बिटिया है, तो इंशाल्लाह मेरी होगी, बट अभी नहीं, अभी तो मुझे कैरियर में कुछ काम करना है, अभी बहुत कुछ करना है, तभी होगी, बट अजान हो रही है, मैं शांत हो जाती। तो अब असर हो चुका है, असर की नमाज़ मैं पढ़ने जा रही हूँ, और मैंने जो मेकअप किया था वो मेकअप मैंने रिमूव कर दिया है। तो गाइज़ वैसे भी मुझे मेकअप इतना पसंद नहीं है, बट किसी कारण मैंने किया था, वो मैंने रिमूव कर दिया। तो नमाज़ पढ़ के, इबादत करके मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज़ मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, और आप सबके लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए मैंने दुआ कर ली है। तो गाइज़ ऐसी ही मेरा डेली रूटीन है, और लोग सोचते होंगे कि यार ये कैसी रहती है, बहुत लोग तो मेरे खुद के ही रिश्तेदार बहुत कमेंट करते हैं, और मैं ऐसी ही हूँ। तो जब वीडियो शूट करती हूँ तो बिंदास रहती हूँ, घर पे रहती हूँ तो इस तरीके से ही रहती हूँ मैं, तो जो कि लोग नहीं समझते, और यू नो जो कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं है गवार है,
और दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे ही मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा बोला है कि मेरा मायका, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ कोई नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह जैसा जैसा नवाजेगा हम वैसे नवाजेंगे अपने आप को, बस हम खुश हैं इस चीज़ के लिए। तो जो अभी छत से मैं कपड़े लेकर के आई हूँ, ये रे बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड के, जो मैंने अपने हाथ से धोती हुआ। मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे ससुराल में है पर मेरे यहाँ पे मेरा मशीन नहीं है खुद का, तो मैं हाथ से धोती हूँ। और हाथ से धोना कोई बुरी बात नहीं है, इससे हेल्थ बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो मैं अभी ये सब तय लगाऊंगी, तो शाम का वक्त है तो तय लगा लेती हूँ। मैं छत पे आ चुकी हूँ और आपको पता है थोड़ी देर के लिए मुझे मेकअप पसंद नहीं है ज़्यादा करना, तो मेकअप मैं रिमूव कर चुकी हूँ। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और मुझे आज पता नहीं क्यों मौसम इतना अच्छा है, मैं बार बार छत पे आ जा रही हूँ। बेड में अभी यहाँ से काम कंप्लीट करके मैं अपने माँ के घर जाऊँगी, यानी मायके जाऊँगी। तो बारिश की बूंदें भी आ रही है गाइस, तो माँ के घर जाऊँगी, वहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा हेल्प करवाऊँगी जितना मुझसे हो पाता है गाइस। तो अभी जो भी है, अभी मैं शाम की चाय चढ़ा के आई हूँ, मुझे चाय पीनी है ये। और आप सोचोगे आज मैंने ब्लॉगिंग इतनी लेट स्टार्ट क्यों करी गाइस, क्योंकि बहुत घर का काम था, मैं घर का काम कंप्लीट करके जितनी, क्योंकि मुझसे काम बहुत धीरे धीरे होता है इस टाइम पे, तो काम जितना मुझसे हो पाया उतना जल्दी जल्दी मैंने घर का काम किया, फिर माँ के घर गई, फिर वहाँ से मैं कहीं और गई थी और आपने देखा था मैं वहाँ से ही शूट करी स्टार्ट करी हूँ। फिर उस घर से मैं फिर अपनी मम्मी के घर गई, इस रूम की चाबी ले गई, यहाँ दो तीन काम थे क्योंकि बारिश का मौसम और था, मैंने कपड़े जो अपने मियाँ के धोए थे वो उठाने थे यहाँ से, क्योंकि बारिश का टाइम है गीला हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जो भी है चाय वाय पी करके फिर यहाँ से जाऊँगी माँ के घर, फिर माँ के घर से मिलती हूँ मैं आपसे, पहले मैं चाय पीऊँगी गाइस जो आप भी साथ में पियोगे। भाई आप ये देख के पता कर सकते हो कि मेरे हाथ कितने चंचल है, ऐसा जैसे मैंने ऐसे करके खाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे हाथ से हुआ, ये हाथ नहीं हथौड़ा है। और शाम की चाय और अल्लाह मियाँ हमें बून टपका टपका के कह रहे हैं कि आज तुम मज़े करो, तो हम अल्लाह मियाँ से बहुत खुश हैं। अल्लाह मियाँ बस रमज़ान में भी ऐसे ही मौसम बनाए रखे और सारे रोज़ेदारों को हिम्मत दे के रोज़ा रखने का। तो मैं रमज़ान आने से पहले इतनी खुश होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रमज़ान कभी नहीं छोड़ी। हाँ, और कोई वक्त आता तो अलग, वो अलग बात है कि रमज़ान एक आध तो छूट ही जाते हैं, बट मैंने कभी रमज़ान अपने छोड़े नहीं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे रमज़ान में सेहतमंद रखे जो मैं रमज़ान पूरा रख पाऊँ। आई लव रमज़ान। तो गाइस आलू की सब्ज़ी और चाय, आलू की सब्ज़ी यानी सूखी सूखी और साथ में चाय है। तो गाइस जितना मैं ईद का इंतज़ार नहीं करती जितना मैं रमज़ान का इंतज़ार करती हूँ, बहुत लोग होते कि ईद का इंतज़ार करते हैं, मुझे ईद, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान वालों के लिए ही ईद है जो रोज़ेदार होते हैं, और बाकी लोगों का तो नहीं है ईद। सच बताए जो रमज़ान रखते हैं उन्हीं के लोगों का ईद है, अदर वैसे जो रमज़ान ही रखता है वो सिर्फ सजने धजने के लिए ईद मनाते हैं, तो वो तो बेकार ही है। तो मुझे तो बस रमज़ान का वेट रहता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने घर को साफ सुथरा करने का मन होता है और उसके अलावा कुछ नहीं। सेवइयां बनाते रहो। अच्छा आपके साथ अच्छे गाइस मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि जैसे हम लोग ईद में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि ये खाएंगे, हम दूसरों के घर में जाके ये खाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये पकवान खाएंगे, उसका सच बताना जिस दिन ईद आती है उस दिन आप लोगों को कितने लोगों की इच्छा मर जाती है। जैसे कि एक मेरी एकदम इच्छा मर जाती है, मैं उस दिन मीठा इतना सा भी नहीं चखती। हाँ, रमज़ान के मतलब ईद के तीसरे चौथे दिन बाद में मुझे जैसे इतना मन होता है खाने का, इतना मन होता है कि ये मीठा मिले या वो छोले मिल जाए या दही फुल्की मिल जाए या कुछ मिल जाए, ऐसा उस टाइम फील होता है, बट उस दिन तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होगा। तो गाइस मैं, मेरे आसपास के लोग ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं और मेरा हिस्सा खा रहे हैं, तो मैं अपना हिस्सा पहले ख़त्म कर लेती हूँ। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी अम्मी के घर पे और आए हुए मुझे काफ़ी देर हो गया, बट मैंने ब्लॉगिंग शूट नहीं करी क्योंकि आप देख सकते हो मेरी थोड़ी सी ना थोड़ी हालात जो है थोड़े नासार हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, तो आपको पता है चिकन मुझे बहुत पसंद है,
तो चिकन बना रही हूँ आलू डाल करके। तो कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह हमें तो अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। और एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैं नॉर्मल मतलब नॉर्मल डे में मैं ऐसे ही चिकन बनाती हूँ, और जब कभी जल्दी बनाना होता है तो वो कैसे बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, गैस को कर लिया है ऑन और साथ में डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। और उसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें दो बड़ी इलायची, चार पांच लौंग हैं और दो दालचीनी और जावित्री और चकड़ी फूल है। और साथ में ही ये पेस्ट तैयार, जिसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, एक प्याज और हरी मिर्च। तो तेल को मैं गर्म करने के लिए दे रही हूँ और तेल हो गया है गर्म। अब डालूँगी मैं इसमें खड़े गरम मसाले, ये थोड़ा सा चटकेगा, और इसमें डालूँगी मैं अपना यानी चिकन। तो चिकन डाल के मैं अच्छे से तेल में भूनूंगी। तो चिकन का जो कच्चापन है उसको दूर करने के लिए मैं इसमें हल्का सा ऐड करूंगी नमक और आपका हल्दी। तो अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी, और जब तक चिकन का पानी नहीं छूट जाएगा तब तक मैं इसको अच्छे से चलाती रहूंगी। और अभी देखो चिकन का पानी हल्का हल्का छूट जाएगा, मैं ये सारे मसाले डाल दूंगी यानी जो भी मैंने पेस्ट बनाए थे। अब उसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी, पहले मैं ऐसे ही भूनूंगी बिना ढके हुए इसको। आप देखे हो क्योंकि चिकन में बहुत ज़्यादा पहले से ही पानी होता है, तो वो पानी जो है अपने आप ही कम हो जाएगा। और साथ में मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, जितना मुझे खाना होता है, मुझे लाल मिर्च इतना पसंद नहीं है, हरी मिर्च इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें डाला है। तो लाल मिर्च में इसमें आधा चम्मच डाला मैंने। साथ में मैंने कटे हुए आलू डालू, जिसमें मैंने ऐसे चार चीरे लगा दिए ताकि आलू के अंदर अच्छे से नमक और मिर्ची वगैरह जो भी मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आलू में जो फीकापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अभी भी देख रहे हो आप मैं कैसे अच्छे से चिकन को भून रही हूँ, और मैंने अब ढका है इसको बहुत देर बाद। तो अब देखो चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तीन टमाटर। अब मैं उसको बड़े बड़े पीसेस पे काट रही, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर हल्की आंच में ही गल जाएंगे, तो ज़्यादा इसको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैंने वापस से ढक दिया था ताकि चिकन जल्दी गल जाए और आलू भी जल्दी गल जाए। तो अभी भी मैं मसालों को अच्छे से भून रही हूँ। आप देख सकते हो टमाटर बिल्कुल ही गल चुका है, अब टमाटर कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो आलू भी पक चुकी है, फिर भी अच्छे से मैं उसको भूनूंगी जब तक मेरे को तसल्ली ना मिले। गाइस मैं आपको बता नहीं सकती कि चिकन की जो खुशबू है वो हर तरफ फैल चुकी है, और मेरे मुंह में आ रहा है पानी, और मुझे लगी बहुत जरूरी भूख। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, भूख लगती है बहुत, पर जब खाती हूँ तो मन ही मर जाता है। मेरी हालत देख लो गाइस। अच्छा एक चीज़ जरूर कमेंट करके बताना मुझे कि आपको मैं विदाउट मेकअप अच्छी लगती हूँ कि मेकअप करके अच्छी लगती हूँ, क्योंकि मेरे को जो अच्छा लगता है वो विदाउट मेकअप अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने कह दिया कि नहीं आप विदाउट मेकअप लगते हो अच्छे, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऑलमोस्ट विदाउट मेकअप, क्योंकि मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपने ये कह दिया कि नहीं आप मेकअप करके अच्छे लगते हो, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में मेकअप करके आऊँ। वैसे ज़्यादातर वीडियो में मैं मेकअप ही करके आती हूँ, और बहुत ही कम वीडियो में मैं नेचुरल रहती हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल पसंद है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद मेरा नेचुरलपन जो है अच्छा ना लगे। तो अभी मैं चिकन को जैसे कि अच्छे से भून रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो हमारा जो किचन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अम्मी वाला सब यहाँ जो है बैठ के खाना बना। लेकिन गाइस मैं ना शादी पे से आई ना, तब से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मैं शादी से पहले मैंने ये चूड़ी पहनी थी, मतलब मेरी नंद की शादी से पहले मैंने चूड़ी पहनी थी, और फिर जो है मैंने उतार दी थी, और जो है अब जो है मैंने वापस से पहनी, क्योंकि मुझे कलर बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। ये पहले से चूड़ियाँ थोड़ी सी चटक गई थी मुझसे, तो अब की साथ की थोड़ी कम बची है, साथ ही ज़्यादा बची है। तो गाइस कमेंट करना कि चूड़ियाँ आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो मैं डेली वेज में पहनूंगी, अदरवाइज फिर मैं उतार दूंगी। तो ये जो चूड़ी थी ये मुझे मेरी बुआ ने दी, उन्हीं ने खुद ही खरीदा और उन्हीं ने पहनाया। ये चूड़ी मेरे हाथ से जो है ना थोड़ी छोटी आप देख सकते हो, बट उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे हाथ में ऐसे दबा दबा के पहनाया। फिर इसको उतारना बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि नंद की शादी थी तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा सूट के अकॉर्डिंग चूड़ियाँ पहनते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे उतारनी पड़ी। और फिर मैंने जब अभी आई हूँ तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ वापस डाल ली, क्योंकि मुझे इसके कलर बहुत पसंद आया। और बुआ हमेशा मेरे, जब मैं कुंवारी थी तो मुझे चूड़ियों का बहुत शौक था, तो वो क्या करती थी कि मेरे लिए हमेशा कभी काली चूड़ी, कभी सफ़ेद, कभी रेड, कभी ग्रीन चूड़ियाँ लाती थी। तो चिकन मेरा बहुत अच्छे से भून रहा है गाइस, चलिए मैं दिखाऊंगी आपसे, पहले बात करूँ कभी साथ ही आपको। तो ऐसी चूड़ियाँ ला के मुझे पहनाती थी, और मेरी अम्मी गुस्सा करती थी, अम्मी कहती थी अभी मत पहनाओ इसको, शादी के बाद अच्छा नहीं लगेगा इसका हाथ ये वो। पर बुआ मानती नहीं थी, बुआ मुझे बहुत प्यार करती है माशाल्लाह, तो वो हमेशा पहनाती है मेरे को। तो फिर मैं तो मेरी नंद की शादी से पहले मुझे लाई, और फिर बोली गुड़िया देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई। तो गाइस मुझे घर में गुड़िया बुलाते हैं सब, तो गुड़िया तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आई, गुड़िया तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आई। जब मैंने देखा तो कहीं हाथ दे हाथ दे। फिर गाइस ये कितने घंटे बाद पहना है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टाइम लगा उसको पहनने में दोनों हाथों में। और आपको पता है कि
सीधा हाथ की जो चूड़ियां होती है वो सीधा हाथ जो होता है बहुत भारी होता है, उल्टा हाथ तो फिर भी ठीक होता है। तो गाइस बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं उल्टे हाथ से खाती हूँ, तो नहीं, मैं कैमरा जब फ्रंट पे करती हूँ यानी फोन का जो कैमरा होता है फ्रंट पे करती हूँ, तो मुझे मैं जब सीधा हाथ से खाती हूँ तो बहुत लोगों को लगता है मैं उल्टे हाथ से खाती हूँ, जब बैक कैमरा से लगता है तो वो बिल्कुल सीधा ही हाथ होता है। पर क्योंकि अब मैं खुद से शूट कर रही हूँ तो मैं जब ऐसे खाऊंगी तो सबको लगता है कि मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ और ये सीधा हाथ लगता है, तो एटलीस्ट ये उल्टा है और ये सीधा है। तो गाइस ऐसे ही, तो अब जो है दोबारा से मेरे को बुआ ने मेहनत करके बनाया, तो बात खत्म करते हैं क्योंकि मेरी सब्जी जल जाएगी। तो गाइस देख लीजिए, जो चिकन का पानी था, मसाले का पानी था, वो एकदम सूख चुका है और मसाले मेरे अच्छे से भुन चुके हैं, आलू भी मेरा गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 ग्लास पानी, और ग्लास भी ज़्यादा बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे मीडियम साइज़ हैं। तो 3 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हम लोगों को पानी ज़्यादा नीड नहीं होती, हमें सालन ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इतनी ग्रेवी हमारे लिए बहुत है। तो अब जो है मैं पानी को एक उबाल आने दूंगी अच्छे से, तो एक उबाल आ चुका है, अब मैं इसको ढक दूंगी 5-10 मिनट के लिए। तो हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है गाइस, एकदम तैयार। तो गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मेरा चिकन कंप्लीट हो गया है, तो बट मैं आपको अभी शेयर करूंगी आपके साथ। मेरे हस्बैंड हल्का सा खाते हुए, देखो भागे भागे, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, इस वजह से वो आपसे नाराज है। आप नाराजगी इनकी खत्म करो, हमारी एक आध वीडियो वायरल करवा दो गाइस, शेयर करो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो जो मेरा फेवरेट है मैं वो निकाल रही हूँ, जो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। दिख जा दिख जा भैया, दिख जा दिख जा। तो गाइस ये मैंने पीसेस ले लिया है और मेरा फेवरेट पार्ट मुझे दिख नहीं रहा, लगता है वो बिल्ली ले गई है। मजाक करी गाइस, मजाक, थक गई बहुत। तो पतली है ना, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं करती हूँ बिस्मिल्लाह। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे प्लेट में क्या है, ये है बैगन और साथ में सूखी प्राउंस प्राउंस जो भी है मुझे नहीं पता, और साथ में है आलू और ये है चिकन आलू। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और साथ में है सैलेड जो मैं रखूँगी साइड में। ओए होए गाइस मैं अब जा रही हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ूँ। तो सब मुझे देख रहे हैं, कृपा करके कोई मुझे नजर ना लगाना। प्याज आलू और सब मजा आ गया, काश मैं आपको खिला सकती। तो गाइस मैं अच्छे से खा लूं क्योंकि मैं खाते खाते बात नहीं करती, आपको बहुत बार बताया, फिर मैं आपसे बात करती हूँ खाते। तो गाइस मैंने खाना खा लिया और मेरा पेट एकदम लपालप भर चुका है, अब मैं जा रही हूँ अपने वाले घर यानी अपने हस्बैंड वाले घर। ये मेरी माँ का घर है और आप कलर देख के हमेशा पहचान ही जाते होंगे ये मेरी माँ का घर है। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यार ये अपनी माँ के घर में क्या कर रही है, खाना पीना वहीं बना रही है। तो गाइस मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी नहीं है, इस वजह से मैं आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर इस चीज़ के लिए भी कमेंट मत कर देना भाई लोग, चलो मिलते हैं हम वहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैंने रात को एंडिंग नहीं कर पाई वीडियो क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी और घर में आते ही मैं सो गई और मैंने वीडियो अपनी एंडिंग नहीं करी। तो अभी सुबह के टाइम पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा काम होता है, मेरे हस्बैंड जाते हैं जॉब पे, जिसके वजह से मैं फटाफट खाना पीना जो भी उनका फटाफट करके देती हूँ। तो अभी वो जा चुके हैं और मैंने जो भी चाय नाश्ता के जो बर्तन थे वो धो चुकी हूँ, और आज मैंने ज़्यादा खाना पीना कुछ नहीं बना पाई क्योंकि मेरा गैस ख़त्म हो गया है। बट मेरा गैस काफ़ी अच्छा चलता है, 3-4 महीने चल जाते हैं क्योंकि हम दो हस्बैंड वाइफ है, तो ज़्यादा वो नहीं होता, पर 3 महीने बाद मेरा गैस ख़त्म हो गया, तो जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड, फिर भी अल्लाह का शुक्र था कि नाश्ता पानी हो चुका था क्योंकि हमने पड़ोसी की हेल्प ले ली थी, तो मेरा सब्जी और रोटी वगैरह जो है वहीं बना था और अंडे वगैरह जो थे वो मेरी ही गैस पे गर्म हो चुके थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। तो अब मैं सोच रही थी कि वीडियो एंडिंग करना बहुत ज़रूरी था, तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग आज की अच्छी लगी तो क्या करना है आपको, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो हमारी चैनल कमेंट करना है क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग मुझे ये कहते हो कि आपकी वीडियो अच्छी लगी है। जैसा भी आपको अच्छी लगी है, नहीं भी लगी तो भी आप कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आई होप मैं इंशाल्लाह आगे उसको सुधारने की कोशिश करूँगी।
तो गाइस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे से प्यार लेते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए और मुझे इसी तरीके से बहुत ज्यादा सराही। तो गाइस ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे प्यार देते रहिए। मैं चाहती हूँ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टाटा बाय बाय।